My most sincere greetings and welcome to DS English. This is Deepmala Sharma. Welcome to today's evening session. Yes, it's time. All of you are waiting for me. So nice to see you all. Let me check my comment section so that I can see all the comments. I'm quite fine, Isha. How are you, beta? हाँ प्रिया, क्लास स्टार्ट हो चुकी है. हाँ जी हाँ जी मीनू, क्लास स्टार्ट हो चुकी है बेटा. हाँ जी, आई थिंक आप सबने प्रिपेयर कर लिया है द रेड ट्रैप. बताइए मुझे जल्दी से, फिर उसके बाद क्विज स्टार्ट करते हैं. ज्यादातर स्टूडेंट्स मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं. आई कैन सी ओनली 15 स्टूडेंट्स प्रेजेंट हियर. 15 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट. बाकी सब बच्चे कहाँ चले गए? मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे पेपर, अच्छा हाँ ना 20, सॉरी ये थोड़ी नेटवर्क में प्रॉब्लम है. तो अभी बहुत से बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, मेरे ख्याल से एक दो मिनट और मैं वेट कर लेती हूँ और उसके बाद फिर हम क्विज स्टार्ट करेंगे. हेलो एवरीवन, खुशी, हेलो बेटा, गुड इवनिंग वर्षा, सुमित, हाँ जी, हेलो एवरीवन, ममता, हेलो अमित वर्मा, गुड इवनिंग बेटा, कुमकुम, खुशी, वेरी गुड इवनिंग बेटा, बोथ ऑफ यू. हाँ जी, तो आज हम रिविजन सेशन अपना कंटिन्यू करेंगे. और कृष्ण, तुषार, तुषार वेलकम बेटा. मैम आज न्यूज आई थी ना, तो जो एग्जाम देना चाहते हैं शायद वही ये सब. हाँ बिल्कुल, ये हो सकता है बेटा. और मुझे ऐसा लगता है कि मोस्टली जो स्टूडेंट्स हो आप लोग, चलो इस बारे में मैं क्लास के एंड में बात करूंगी आपसे. मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मोस्टली वही स्टूडेंट्स हैं जो इस साल अभी 12th क्लास में आए हैं, है ना. जो लास्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स थे जो रिविजन के कारण से हमसे जुड़े थे, तो मे बी वो आज नहीं जुड़ पाएंगे. पिंकी, गुड इवनिंग बेटा. हाँ तुषार, मुझे भी यही लग रहा है. राज वरेंद्र, हाँ जी गुड इवनिंग बेटा, वेरी गुड इवनिंग. दीक्षा, हाँ बिल्कुल मुझे भी यही लग रहा है. तो चलिए हम अब ज्यादा लेट नहीं करते. बच्चे अभी हमसे जुड़ते जा रहे हैं और फिर बाद में भी जुड़ते रहेंगे, कोई बात नहीं. जो हाँ लास्ट ईयर से हैं, है ना. ये इस बारे में मैं तुम्हारे से उसके बाद थोड़ी देर बाद बात करूंगी. पहले अपना क्विज कर लेते हैं जल्दी से. और आज मेरी कोशिश रहेगी कि मैं जल्दी से आपको आधे घंटे के अंदर अंदर जो है ये चैप्टर कंप्लीट कराऊं, क्योंकि पिछली बार वाली वीडियो काफी बड़ी बन गई थी बेटा, है ना, इस वजह से. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. और आप सबने रेड ट्रैप प्रिपेयर कर लिया होगा. द रेड ट्रैप अभी आपके सामने क्विज आने वाला है. सो ऑल ऑफ यू रेडी, रेडी टू चैट? ओके, द रेड ट्रैप बाय सेल्मा लेगरलॉफ. कम टू द फर्स्ट स्लाइड. This is your first question. Who is the author of the story The Rat Trap? I can see the comments. All right. Now, waiting for the answers. Oh, highlighter nahi aa raha. Stop sharing. Ek second aap check kar lete hain, ye kuch hai to sahi. Highlighter, pen. I think pen आएगा आज, कोई बात नहीं. हाँ जी बेटा, so yes, सभी students के सही answers आ चुके हैं. Selma Lagerlöf is the right answer. Come to the next question. The Rat Trap is a story about a rat trap seller who leads a very किस तरह की life जीता था the rat trap seller? इस question का answer आप लिखेंगे. Poor life as his earnings are very low. Lavish life as his earnings were very high. Simple life as he does not want to come in the eyes of the others. None of the above. यहाँ lavish का मतलब होता है बेटा काफी, जैसे जो व्यक्ति बहुत सारे पैसे स्पेंड करता है, ओके, उसे कहते हैं कि lavishly वो स्पेंड कर रहा है. तो आप बताइए इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या है. वेटिंग फॉर द राइट आंसर्स.
हां जी बिल्कुल, आपने सही आंसर दे दिए हैं सभी बच्चों ने. ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर. ही वाज क्वाइट पुअर, ओके, बिकॉज हिज अर्निंग्स वर वेरी लो. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. स्वीडन माइंस आर रिच इन विच ओर. अब स्वीडन माइंस में ये स्टोरी सेट हुई थी, आपको पता है ना, तो वो जो माइंस है वो कौन सी ओर के कारण से फेमस थी, ये आपने बताना है. तो जल्दी से आप आंसर्स बताइए, उसके बाद मैं आपको करेक्ट आंसर बताऊंगी. यस मैम, क्वेश्चंस आर नॉट शोइंग. मैम क्वेश्चंस शो नहीं हो रहा, ऐसे कैसे नहीं हो रहा मैम, ऐसे समझ नहीं आ रहा. क्वेश्चंस कहाँ हैं? एक सेकंड बेटा, जस्ट अ मिनट, मैं अभी अरेंज करती हूँ. मेरे ख्याल से मैं ही दिखाई दे रही हूँ, है ना? अभी जस्ट अ मिनट बेटा, शायद कोई टेक्निकल फॉल्ट है, मैं अभी चेक करती हूँ. आई डोंट नो, करेक्ट आंसर भी आ गया है बिना क्वेश्चन दिखे, केवल बोला है मैंने क्वेश्चन और आपने सही आंसर दे दिया है बेटा, वेरी गुड. नाउ चेक क्वेश्चन, क्वेश्चन शो हो रहे हैं क्या? अब आप चेक कीजिए. थर्ड क्वेश्चन पे थे हम, ओके, क्वेश्चन नंबर नहीं डाले थे. यस, और राइट आंसर्स आप लोग दे चुके थे, मैं भी आपको राइट आंसर बता देती हूं. सो द राइट आंसर इज ऑफ कोर्स ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर, एंड दैट इज आयरन ओर. Now, come to the next question. This story revolves around whom? ये story किसके चारों ओर घूमती है? Means main character कौन है story का? Around Crofter and his daughter, around Crofter, around Iron Man, या around the peddler, the rat trap seller. Tell me the right answers. बिल्कुल सही है. Around the peddler, the rat trap seller. Come to the next one. I think we are on fifth question now. Okay, what does the rat trap seller has to do to make his both ends meet? Peddling, selling, begging, thievery and begging. What should be the right answer? Try all of you. बिल्कुल सही है आपका आंसर. ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर, thievery and begging. Come to the next one. How was the physical appearance of the peddler in the chapter The Rat Trap? जो Rat Traps chapter है, उसमें peddler की जो physical appearance है, वो कैसी है? Means वो कैसा दिखता था? किस तरह से उसे describe किया? His clothes were in rags, his cheeks were sunken, hunger gleamed in his eyes, या all of the above. Tell me the right answers. ये question number sixth है. Yes, the correct answer is all of the above. Come to the next one, seventh question. In peddler's view, what does the world look like? A rat, a jungle, a jigsaw, ya a rat trap? Very easy question. Bilkul sahi answer aapke aane start ho chuke hain. The correct answer is option D as rat trap. Peddler ke hisab se jo world hai wo kaisa dikhta hai? Ji haan, wo dikhta hai ekdam rat trap ki tarah se. Come to the next one. Why does the rat trap seller think of this world as a big rat trap in context to the story The Rat Trap? The world offers as various types of baits in form of comforts of life. This in return traps us into rat trap of the world. This leads us to various types of miseries. Tell me the right answers. ध्यान से सभी options को पढ़ना और उसके बाद answer बताना. बिल्कुल सही, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज नाइन्थ क्वेश्चन. द पेडलर्स रेड ट्रैप्स वर मेड ऑफ वुड, एल्यूमिनियम, वायर या प्लास्टिक. व्हाट आर द राइट आंसर्स? नाइन्थ क्वेश्चन के आंसर के लिए आई एम वेटिंग फॉर. द पेडलर्स रेड ट्रैप्स वर मेड ऑफ, यस, वायर. बिल्कुल सही है आपका आंसर. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, वायर. Come to the next question. The peddler
एंड द क्रॉफ्टर प्लेड अ गेम आफ्टर द सपर द गेम वॉज पेडलर ने और क्रॉफ्टर ने एक गेम खेला था खाना खाने के बाद, उस गेम का क्या नाम था? ऑप्शन आर ऑन योर स्क्रीन्स. बिल्कुल ठीक आंसर्स आपके आने स्टार्ट हो चुके हैं. द आंसर इज मजोलिस. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाई वाज द क्रॉफ्टर सो टॉकेटिव एंड फ्रेंडली विद द पेडलर. क्रॉफ्टर जो था वो बहुत ज्यादा बातें करता था और फ्रेंडली था पेडलर के साथ, तो ऐसा क्यों था? बिकॉज ही न्यू हिम, ही वॉज हिज फ्रेंड, ही वॉज हिज नेबर, बिकॉज ही वॉज लोनली मैन विदाउट फ्रेंड्स एंड फैमिली. वॉट इज द राइट आंसर? ऑप्शन पढ़ के फिर आप राइट आंसर बताएंगे. कितने क्वेश्चन बने? Yes, quite right. All of you are giving right answers because he was lonely man without friends and family. Come to the next question. Where did the crofter work earlier in the chapter? Jo crofter hai, wo pehle kahan kaam karta tha chapter mein? At a factory, at Ramstraw Iron Works, at a shop ya at cowshed? Jab dono baatein karte hain crofter aur Redtrap seller, us samay crofter batata hai ki isse pehle wo kahan kaam karta tha. बिल्कुल सही आंसर्स आपके आने स्टार्ट हो चुके हैं. द करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन, दैट इज एट रामस्ट्रो आयरन वर्क्स. हाउ हैड द क्रॉफ्टर अर्न द मनी इन द चैप्टर द रेड ट्रैप. रेड ट्रैप चैप्टर में जो क्रॉफ्टर है वो पैसे कैसे कमाता था? बाय टॉयलिंग डे एंड नाइट, बाय सेलिंग हिज काउस मिल्क, बाय सेलिंग हिज काउ, या बाय वर्किंग एट काउशेड. बताइए व्हाट इज द राइट आंसर. अगर आपने वीडियो बहुत अच्छे से सुनी है, देखी है, मेरी लाइव क्लास अटेंड की है, तो बहुत इजीली आप इन क्वेश्चंस के आंसर कर सकते हो. और ज्यादातर बच्चे नहीं बल्कि मैं कहूंगी कि सभी बच्चे जो हैं वो आज सही आंसर दे रहे हैं. किसी का भी आंसर मुझे अब तक कोई भी आंसर गलत नहीं दिखा है. बाय सेलिंग हिज काउस मिल्क. वेरी नाइस. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट वाज अ मिस्टेक मेड बाय द क्रॉफ्टर व्हेन द पेडलर वाज इन हिज हाउस. He asked his address, called the police, showed him the place where he had kept his money, या abused him. तो क्रॉफ्टर ने क्या मिस्टेक कर दी थी पेडलर जब उस समय उसके घर पर था? बताइए. करेक्ट आंसर्स, वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 14. राइट, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज शोड हिम द प्लेस वेयर ही हैड केप्ट हिज मनी. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. वेयर डिड द ओल्ड मैन कीप हिज मनी. जो ओल्ड मैन था उसने अपने पैसे कहां पर रखे हुए थे? बताइए. बहुत इजी है ये भी. कहां पर उसने अपने पैसे रखे हुए थे? 15th क्वेश्चन है ये. यस, सही आंसर आने स्टार्ट हो चुके हैं. इन अ लेदर पाउच. कम टू द नेक्स्ट वन. द रेट्रेप पेडलर रिटर्न टू द मेन्स हाउस इन ऑर्डर टू. जो रेट्रेप पेडलर था वो उस आदमी के घर पर वापस आया. राइट, एक बार तो चला गया था उसके घर से, फिर उसके बाद वापस आया, तो वो क्यों वापस आया था? स्टील द 30 crore, से थैंक्स टू द ओल्ड मैन, टेक द बैग ही हैड लेफ्ट बिहाइंड, या नोट डाउन द एड्रेस ऑफ द ओल्ड मैन. टेल मी द राइट आंसर. यस, एंड द राइट आंसर इज स्टील द 30 crore. ऑल ऑफ यू आर आंसरिंग इट करेक्टली. किसी भी स्टूडेंट का आंसर गलत नहीं है. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हु स्टोल द ओल्ड मैन्स मनी. वेरी इजी वन. हां जी, वेटिंग फॉर द राइट आंसर्स. कैन आई सी हाउ मेनी आर लाइव? इसमें दिख नहीं रहा एक्चुअली. यस, बिल्कुल सही आंसर्स आपके आने स्टार्ट हो चुके हैं. सी ऑप्शन इज करेक्ट हियर, दैट इज द रेड ट्रैप सेलर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, How did the red trap seller enter the cottage in order to steal the money? जो red trap seller है वो कॉटेज में जो है किस तरह से एंटर करता है मनी चुराने के लिए? पहले तो आप यही बताना कि कॉटेज में एंटर करता भी है या नहीं, है ना? तो इनमें से कौन सा ऑप्शन बेस्ट सुटेबल है इस क्वेश्चन के आंसर के लिए? By breaking the lock, by smashing the old window pane, by breaking the door, या by entering through the ventilator. बिल्कुल सही आंसर्स आपके आ रहे हैं. वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 18 एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑफ कोर्स बाय स्मैशिंग द विंडो पेन. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ डिड द क्रॉफ्टर टेम्प्ट द पेडलर टू स्टील हिज मनी. बाय हिज काइंडनेस, बाय हिज वार्म केयर, बाय शोइंग हिम मनी, या नन ऑफ दीस. क्वेश्चन नंबर 19. आई एम वेटिंग फॉर द राइट आंसर्स.
Yes, all of you are giving right answers. The correct answer is option C by showing him money. Come to the next question. How did Crofter treat the peddler? Crofter ne kis tarah se peddler ko treat kiya? Very rudely, in a strange manner, friendly manner, ya none of these? Kis tarah se treat kiya Crofter ne peddler ko? Yes, you all are giving right answers. The correct option is option C, friendly manner. Next question. What did the peddler do after stealing the Crofter's money in the chapter The Red Trap? Peddler ne kya kiya Crofter ke paise churane ke baad? The peddler chose the path through the forest which was lonely. He enjoyed a great meal. The peddler bought more red traps, ya none of the above? Tell me the right answers. बिल्कुल सही आंसर्स हैं आपके सभी बच्चे बिल्कुल करेक्ट आंसर्स दे रहे हैं द राइट आंसर इज ऑप्शन ए द पेडलर चोज द पाथ थ्रू द फॉरेस्ट व्हिच वाज लोनली नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट टाइम ऑफ द ईयर वाज इट व्हेन द रेड ट्रैप सेलर हैड रीच्ड द फॉरेस्ट इन द चैप्टर द रेड ट्रैप बेटा एक मंथ मेंशन किया गया है तो आप बताइए वो कौन सा मंथ है जिस समय की ये बात है जब वो फॉरेस्ट में पहुंचता है वेरी नाइस खुशी वेलकम बेटा आप अच्छे आंसर्स दे रहे हो इसीलिए मैं प्रेज कर रही हूँ आपकी Very nice, beta. Very well done, all of you. बिल्कुल सही answers आपके आने start हो चुके हैं. Option B is correct here. December. Come to the next question. What happened when the red trap seller left the main road and went into the forest? He was happy there. He took rest there. He enjoyed the forest. He became confused and lost his ways. बताइए. Right answers. उसे cold हो जाता है. उसे कोल्ड लगती है ठंड लगती है ना उसे ठंड लगती है बिल्कुल सही आंसर्स आपके आने स्टार्ट हो चुके हैं द करेक्ट आंसर इज ऑफ कोर्स ऑप्शन डी ही बिकेम कंफ्यूज्ड एंड लॉस्ट हिज वेज नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड द पेडलर रियलाइज व्हेन ही वॉक्ड एंड वॉक्ड इन द फॉरेस्ट विदाउट कमिंग टू द एंड ऑफ द वुड क्या रियलाइज किया पेडलर ने जब वो बार बार एक ही जगह पर घूम रहा था फॉरेस्ट में उस समय उसने क्या रियलाइज किया ये आपको बताना है He had to call up home now. He realized that he had only been walking around in the same part of the forest, felt very foolish at his decision, yet felt sorry for himself. We are on question number 24 and you all are giving the answers correctly. He realized that he had only been walking around in the same part of the forest. वो बार बार फॉरेस्ट के एक ही जगह पर घूम ही जा रहा था When the red trap seller had lost all the hopes, he heard a sound. From where was the sound coming? किस जगह से वो आवाज आ रही थी जब red trap seller ने पूरी उम्मीदें अपनी छोड़ दी थी वो नीचे जमीन पर लेट गया So he listened to the thumping sound. है ना? It was a thumping sound. कहाँ से आ रही थी वो thumping sound? बताइए Yes, 25th question पर हैं हम और आप बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं From a mill. Ram's Jaw Iron Works है ना Where did the red trap seller reach when he followed the sound तो जब उसने साउंड को फॉलो किया तो वो कहां पर पहुंचा A school a shop a hill या the Ram's Jaw Iron Works Yes the right answer is the Ram's Jaw Iron Works very nice all of you 26 के आंसर बिल्कुल करेक्टली आ रहे हैं मेरे पास Now we are on question number 27 He summoned all his strength, got up and staggered in the direction of the sound. Who is he referred to in the chapter The Red Trap? अब देखिए बेटा ये एक स्टेटमेंट है और इस स्टेटमेंट के अंदर जो ही आया है वो किसके लिए आया है आपको ये बताना है आपको पता है कि प्रोज बेस्ड जो कॉम्प्रिहेंशन है वो भी हमसे पूछी जा सकती है एग्जाम में है ना तो प्रोज बेस्ड जो कॉम्प्रिहेंशन होती है उसके अंदर जैसे ही आई शी इस तरह से कोई प्रोनाउन हो सकते हैं और ये पूछा जा सकता है आपसे कि वो प्रोनाउन किसके लिए आए हैं है ना तो फिर आप इस रेफरेंस को पढ़िए और फिर इस क्वेश्चन का आंसर बताइए बिल्कुल सही आप लोगों ने आंसर दे दिए हैं मुझे अब तक आंसर्स आ चुके हैं मेरे पास द करेक्ट आंसर इज ऑफ कोर्स ऑप्शन बी द रेड ट्रैप सेलर कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर व्हाट डिड द रेड ट्रैप सेलर आस्क परमिशन किस चीज के लिए रेड ट्रैप सेलर ने परमिशन मांगी टू स्टे देयर फॉर द नाइट टू डांस इन द फैक्ट्री टू हेल्प द ब्लैकस्मिथ्स टू बिल्ड द वॉल बहुत आसान है ये भी वहां जाकर उसे जैसे ब्लैकस्मिथ मिला था और उसका अप्रेंटिस बैठा हुआ था उसका हेल्पर बैठा हुआ था तो वहां जाकर वो किस चीज के लिए परमिशन मांगता है जी हाँ टू स्टे देयर फॉर द नाइट 28th क्वेश्चन के आंसर्स आ चुके हैं मेरे पास कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हु सेट इन द डार्क फोर्ज नियर द फर्नेस डार्क फोर्ज में फर्नेस के पास कौन बैठा हुआ था राइट अभी मैंने शायद पिछले क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में आंसर बता दिया है आपको ये आंसर तो लीक हो गया
तो 29th क्वेश्चन पर है हम, और यस करेक्ट आंसर्स आने स्टार्ट हो चुके हैं. बोथ ए एंड बी द मास्टर ब्लैकस्मिथ एंड हिज हेल्पर, तो बोथ ए एंड बी आर द करेक्ट ऑप्शंस. हु केम टू द आयरन मिल ऑन अ राउंड ऑफ इंस्पेक्शन, तो एक इंस्पेक्शन करने के लिए कोई आया था आयरन मिल में, है ना, तो वो कौन था, जल्दी से बता दीजिए. बिल्कुल इजी आंसर है ये, इजी क्वेश्चन, इजी आंसर. करेक्ट आंसर्स आने स्टार्ट हो चुके हैं, मैं भी आपको जल्दी से बता देती हूँ. यस, ऑप्शन सी द आयरन मास्टर. द आयरन मास्टर मिस्टूक द रेड पेडलर फॉर एन ओल्ड कजन ऑफ हिज वाइफ, एन ओल्ड एम्प्लॉई, एन ओल्ड सर्वेंट या ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड. क्या समझ लेता है आयरन मास्टर पेडलर को? क्वेश्चन नंबर 31 इज व्हाट आई एम वेटिंग फॉर द आंसर्स. यस, करेक्ट आंसर्स आने स्टार्ट हो चुके हैं. ऑप्शन डी, एन ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. वेयर डिड द आयरन मास्टर इनवाइट द रेड ट्रैप सेलर? आयरन मास्टर ने रेड ट्रैप सेलर को कहां पर इनवाइट किया था? टू द डांस पार्टी, टू द हॉस्पिटल, टू हिज हाउस फॉर क्रिसमस ईव या टू अ मैरिज पार्टी? टेल मी द राइट आंसर्स. हाँ जी, करेक्ट आंसर्स आने स्टार्ट हो चुके हैं. क्वेश्चन नंबर 32nd, ऑप्शन सी इज करेक्ट, टू हिज हाउस फॉर द क्रिसमस ईव. नेक्स्ट क्वेश्चन. द आयरन मास्टर लिव्ड इन द मैनर विद हिज ओल्ड मदर, एल्डेस्ट डॉटर, वाइफ, सन्स. किसके साथ रहता था आयरन मास्टर अपने घर पर? बिल्कुल सही आंसर्स आपके आ रहे हैं, ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर. कम टू क्वेश्चन नंबर 34. व्हाई डिड पेडलर नॉट रिवील हिज ट्रू आइडेंटिटी? पेडलर ने अपनी असली पहचान क्यों नहीं बताई? उसे किस चीज का लग रहा था कि क्या मिल जाएगा उसको? Because of fear, he didn't want to hurt them in the greed of getting money या none. 34th question है ये. Yes, 34th question. आ चुके हैं right answers मेरे पास. Option C, in the greed of getting money. Very nicely you all are answering. Just a minute, एक बार do not disturb पे हो जाएगा क्या? Yes. Comes the next question. Who was finally able to convince the peddler to go to the Iron Master's house as a guest during Christmas? किसने convince किया peddler को Iron Master के घर पर चलने के लिए as a guest during Christmas? Yes, 35th question पे हैं हम और correct answers आने start हो चुके हैं. Option B, the Iron Master's daughter. Yogesh, very nice बेटा. First of all, you have answered. आपसे जो बच्चा सबसे पहले आंसर देगा, करेक्ट आंसर देगा, उसका नाम मैं यहाँ से अनाउंस करूंगी. और बाकी बच्चे भी बहुत अच्छे से आंसर्स दे रहे हैं, किसी भी स्टूडेंट का ये आंसर गलत नहीं है. वेरी नाइस, वेरी वेल डन ऑल ऑफ यू. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 36. और ये आंसर तो आ चुका है, मैंने तो क्वेश्चन भी नहीं पढ़ा, खुशी ने सही आंसर दिया है. वेरी नाइस बेटा. द नेम ऑफ द आयरन मास्टर्स डॉटर वॉज, यस करेक्ट आंसर इज. अब आ चुके हैं आंसर, तो मैं बता देती हूँ कि आयरन मास्टर की बेटी का क्या नाम था. Of course, this is a very important character of our story, Edla Wilmenson. Option B is correct. Come to the next question. What made the peddler agree to go with the girl? Friendly manner, stern expression, soft voice, her beautiful looks. We are on question number 37. Yes, very nice. किसने दिया है सही आंसर? ईशा ने. ईशा, very good, beta. Friendly manner is the correct answer. Come to the next question. The girl had brought with her the following article to make him feel warm. लड़की अपने साथ क्या लेकर आई थी उसे साथ ले जाने के लिए? 38th question पे हैं हम. A fur coat, a sweater, a woolen shawl या a blanket. क्या लेकर आई थी वो लड़की? खुशी, बिल्कुल सही. अब दोनों में करारी टक्कर है, खुशी में और ईशा में, right? तो ये a fur coat लेकर आई थी. Very nice. Come to the next question. Sitting in the carriage with the young girl, the red trap seller was deep in thought. He felt confident, nervous and tense, ashamed at coming with the girl, guilty at having stolen the old doctor's money. 39th question pe hai hum, right? Meenu ka answer aa gaya hai. Very good, Meenu beta. You are quite right. He was guilty. He was guilty at having stolen the doctor's money. Meenu ne sabse pehle answer diya. Baaki sab bachchon ke bhi bilkul correct answers mujhe mil rahe hain. Now come to the next question. The red trap peddler gave the iron master a lecture on how to be professional, how to be ethically correct, how to be honest, or how the world is a red trap. So, kis bare mein jaise lecture diya
आयरन मास्टर को पेडलर ने, ये बताना है आपने। हाँ जी, ये आ गया योगेश का, बिल्कुल सही आंसर है योगेश, 40th का डी, डी लिखा ना आपने, योगेश ने डी लिखा था आई थिंक, तो बिल्कुल सही है डी ऑप्शन, हाउ द वर्ल्ड इज अ रैट ट्रैप, राइट। मैं भी फिर से चेक कर लेती हूँ योगेश का आंसर, योगेश ने सबसे पहले आंसर दिया था, हाँ बिल्कुल सही है बेटा आपने सबसे पहले दिया, तुषार सेकंड नंबर पर है, दीक्षा थर्ड नंबर पर है, रक्षिता फोर्थ नंबर पर, और ममता जैसे फिफ्थ नंबर पर, ओके मीनू सिक्स नंबर पर, खुशबू कुमकुम नेक्स्ट नंबर पर। तो चलिए आगे चलते हैं, व्हाई डिड एडला प्लीड हर फादर नॉट टू सेंड द वेगाबॉन्ड अवे, तो एडला ने क्यों अपने फादर को कहा कि भी इसको वापस मत भेजो, बिकॉज ऑफ हर फादर, बिकॉज ही रिजेंबल्ड हर फादर्स फ्रेंड, बिकॉज शी लाइक्ड हिम, बिकॉज ऑफ सिंपैथी एंड हिज पुअर लाइफ कंडीशन, बताइए करेक्ट आंसर्स। 41st का आंसर, मीनू का राइट आंसर आ चुका है सबसे पहले, बिकॉज ऑफ सिंपैथी एंड हिज पुअर लाइफ कंडीशन, वेरी वेल डन ऑल ऑफ यू। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 42nd क्वेश्चन, द डॉटर वांटेड द पेडलर टू स्टे सो दैट ही कुड प्ले अ गेम ऑफ पोकर विद देम, प्ले कार्ड्स विद देम, ईट अ मील विद देम, एंजॉय एटलीस्ट क्रिसमस विद देम, 42nd क्वेश्चन, 42nd क्वेश्चन, ये आ चुके हैं राइट आंसर्स मेरे पास, और मैं एक बार फिर से चेक कर लेती हूँ। प्रदीप बेटा आपने 41st का डी लिखा है, और सुमन कौशिक ने हैशटैग कर दिया कुछ, और मीनू शर्मा का फिर से करेक्ट आंसर है 42nd का डी ऑप्शन, बिल्कुल ठीक है। रक्षिता, तुषार और दीक्षा ये सब बच्चे इनके बाद हैं, तो करेक्ट आंसर इज ऑफकोर्स ऑप्शन डी, एंजॉय एटलीस्ट क्रिसमस विद देम। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, The retro peddler spent most of his Christmas Eve sleeping, playing, singing या laughing. बहुत आसान है, जल्दी से आप आंसर देंगे। Waiting for the right answers. 43rd question पे, हाँ जी आंसर्स आ चुके हैं मेरे पास। योगेश इज द फर्स्ट वन टू आंसर इट करेक्टली, तुषार, अब ईशा वगैरह सब नीचे चले गए है ना, स्मृति उसके बाद है, तो 43rd का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है आपका, स्लीपिंग, मोस्ट ऑफ द टाइम वो सोता ही रहा था। Come to the next question. At the church next day, what did the iron master and his daughter come to know about the red trap seller? That he was a rich man, that he had stolen the old crofter's money, that the red trap seller had run away, that he had been arrested. तो बताइए इसका राइट आंसर। 44th क्वेश्चन पे हैं हम। तुषार इस बार फर्स्ट आ गए आप। Very good. तुषार, very good. तुषार ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। And the correct answer is of course, मैं आपको बता देती हूँ, option D. That is, sorry. ये 44th question है ना? हाँ जी, तो तुषार बिल्कुल सही है बेटा, ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर, दैट ही हैड स्टोलन द ओल्ड क्रॉफ्टर्स मनी। कम टू द नेक्स्ट वन, हाउ डिड द आयरन मास्टर फील व्हेन ही लर्नड दैट द रेड ट्रैप सेलर वाज अ थीफ, तो आयरन मास्टर को कैसा लगा जब उसे पता चला कि जो रेड ट्रैप सेलर है वो तो एक थीफ है। 45th क्वेश्चन पे है हाँ, that the red trap seller might steal their silver spoons, that he should report the matter to the police, that he should beat, 45th के करेक्ट आंसर्स आ चुके हैं, मैंने भी ऑप्शंस भी पूरे नहीं पढ़े थे, और मुझे एक बार चेक करने दीजिए। हाँ जी, रजनीकांत के नाम से जिनकी आईडी है बेटा आपका, बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर, और मैं भी इस पर एक बार टिक मार्क लगा दूं, सो दैट वी कैन स्विच ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट द रेड ट्रैप सेलर माइट स्टील देयर सिल्वर स्पून्स। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, What did the package left for Edla contain? जो पैकेज एडला के लिए रखकर गया था रेड ट्रैप सेलर, उसमें क्या क्या था? A diamond ring, a necklace, a small bangle या small red trap with 30 kroner. मीनू शर्मा, वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही आंसर है आपका, एंड यू आर द फर्स्ट वन टू आंसर, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, अ स्मॉल रेड ट्रैप। मैं एक बार फिर से चेक कर लेती हूँ सही बच्चों ने आंसर्स करेक्टली दिए हैं ना, बिल्कुल सही आंसर है सबके। मीनू शर्मा के बाद स्मृति, रक्षिता, ईशा, वेरी गुड बेटा, तुषार, योगेश, रजनीकांत, खुशबू, कुमकुम, ये मंत कुमार के नाम से जिनकी आईडी है, आपने क्वेश्चन नंबर नहीं लिखा कोई बात नहीं, डी में समझ गई, इसी का ही होगा। हाँ जी, संगीता सिंह, हाँ जी रोशनी, बिल्कुल सही है बेटा, बिल्कुल सही, दीक्षा, राजवरिंदर, हाँ जी नोबिता के नाम से, बिल्कुल सही आंसर्स हैं आपके। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेड ट्रैप पेडलर लेफ्ट अ नोट विद द पैकेज, द नोट वाज साइंड एज, तो एक नोट भी था साथ में है ना, उस नोट के ऊपर किस के सिग्नेचर किए थे रेड ट्रैप सेलर ने? वेटिंग फॉर द राइट आंसर, दिस इज क्वेश्चन नंबर 47, बिल्कुल सही आंसर्स आ चुके हैं मेरे पास, एंड स्मृति इज द फर्स्ट वन टू गिव द आंसर करेक्टली।
Captain Von Still is the right answer. Next question. What does the peddler write in the letter to Edla in the chapter The Red Trap? पेडलर ने एडला के लिए जो लेटर लिखा था उसमें उसने क्या लिखा था? The peddler thanks Edla for her kindness. He requests her to return the stolen money to the crofter. He praises at last cooking skills. Okay, both A and B. हाँ जी, तो ये क्वेश्चन नंबर अभी कौन सा चल रहा है? ये डी. यस, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर्स आप लोगों के आ चुके हैं. 48th क्वेश्चन पे हैं हम, एंड कुछ बच्चों ने कुछ और आंसर भी दिया है, लेकिन यहां पर मैं कहूंगी कि 48th का डी आंसर ठीक है. शुरुआत में गलत आए थे आंसर्स. पिंकी, हाँ बेटा आपका नाम, हाँ बेटा सॉरी बेटा रह गया होगा आपका नाम, सॉरी मैं आप बोल देती हूँ. रक्षिता, रक्षिता की आंसर का आंसर करेक्ट है. तो सबसे फर्स्ट वन करेक्टली आंसर देने के लिए इस क्वेश्चन के लिए है रक्षिता. ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर बेटा. तो ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Why did the peddler want to be nice to Edla? जो पेडलर है वो एडला के प्रति नाइस क्यों बना? Because she was kind and benevolent, because he had decided to change, because she treated him like a real captain, because basically he was a nice person. 49th question. और मेरे पास करेक्ट आंसर आ चुका है, बलबीर कसावा. आपने बिल्कुल सही आंसर दिया है. और जो आंसर है, सॉरी बलबीर कसावा, गलत है आंसर आपका. बलबीर कसावा ने, मैं फिर से चेक करूं, ऑप्शन डी बोला है. ऑप्शन डी गलत है. तुषार आपका भी गलत है. और इसके बाद योगेश का भी गलत है. रक्षिता, एक सेकेंड ये क्या हो गया, रक्षिता का है. ओके गलत है रक्षिता. बलबीर कसावा 50th का ए, 50th पे तो मैं भी आई नहीं, 49th के लिए अभी तो हम वेट कर रहे हैं. ये रजनीकांत ने सबसे पहले सही आंसर दिया है. रजनीकांत आपका आंसर बिल्कुल सही है. 49th क्वेश्चन पे हैं हम, और 49th क्वेश्चन के जो क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर है बेटा, बिकॉज शी ट्रीटेड हिम लाइक अ रियल कैप्टन. क्यों पैडला चेंज हुआ था एडला के प्रति, ये तो इसका स्टोरी का मेन थीम है, बेसिक थीम है बेटा. अब सब बच्चों के आंसर करेक्टली आ रहे हैं. वर्षा बिल्कुल ठीक है बेटा, 49th का सी ऑप्शन आपका. तो आप ये देखिए, आप इस क्वेश्चन को कैसे गलत कर सकते हैं पहले आप मुझे ये बताइए, है ना? ये तो गलत बात है. ये देखिए, because she treated him like a real captain, वो लास्ट में ये बात बोलता है ना, कि because you treated me as a captain, so I am also behaving like a real captain. And this was the reason that Edla's friendly manner, friendly behavior, okay, her sympathy, her benevolence actually changed the heart of the rat trap seller, and that's why he just behaved like a good captain and he became a nice human being, right? What made the peddler finally change his heart? वेरी इजी क्वेश्चन. ओके अब आप आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 50th है ये सो फार आई थिंक. हाँ जी, और इसके करेक्ट आंसर के लिए ये ऑप्शन आपके आने स्टार्ट हो चुके हैं. और रक्षिता ने कहा है 50th का ए, एडलास वर्ड्स. नो पिंकी, पिंकी बिल्कुल ठीक है. ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर, एडलास गुडनेस एंड केयर. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाई डिड द पेडलर लीव द स्टोलन मनी इन अ रैट ट्रैप? पेडलर ने जो पैसे थे वो रैट ट्रैप में क्यों रखे थे? बिकॉज ऑफ हिज प्लान टू डिसीव देम, बिकॉज ऑफ फियर ऑफ आयरन मास्टर टू रीपे द लव एंड केयर गिवन बाय एडला. सभी ऑप्शंस को पढ़ के फिर आंसर देना, जल्दबाजी मत करना. 51st क्वेश्चन है ये. अभी तो 50th के आंसर्स देखे, हां 51st का आ चुका है मेरे पास आंसर. गलत है ईशा. और 51st क्वेश्चन के आंसर के लिए आई एम वेटिंग फॉर. ईशा का गलत हो चुका है. और अब ये ईशा के बाद जिन्होंने आंसर दिया है, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ. दोबारा से ऊपर जाना पड़ेगा मुझे. हाँ जी, ये बहुत सारे आंसर्स आ चुके हैं और मुझे समझ नहीं आ रहा किसने पहले दिया. हाँ योगेश, योगेश का आंसर बिल्कुल ठीक है. टू रीपे द लव एंड केयर गिवन बाय एडला, इट इज द राइट आंसर. ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओ सॉरी, द क्वेश्चंस एंड हियर ओनली, आई डिडंट नो इट अर्लियर. तो चलिए अब मैं आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करूंगी. 51 क्वेश्चंस आज मैंने आपको कवर अप कराए
और सारे के सारे क्वेश्चंस के जो आंसर्स थे वो लगभग आप सभी ने ठीक दिए. आई एम सो हैप्पी टू सी योर आंसर्स राइट टुडे. हाँ फर्स्ट पर थी मैम. हाँ बेटा बिल्कुल. अब इसके बाद तुम अपने मार्क्स टोटल कर लेना और मुझे मैसेज कर देना या कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना. मैम वीडियो नहीं चल रही. अच्छा एक सेकंड मैं अभी आती हूँ स्क्रीन पर. एक सेकंड बेटा एक सेकंड लगेगा बस आपको. आई डोंट नो हाउ टू आई वांट टू टॉक टू Alt tab. Okay, can you see me? Am I visible to all of you? हाँ जी. अच्छा ये आपके मार्क्स आ चुके हैं. Very good. Yes. 43. Not a bad score. 45. Very good. 50 on 51. So रोशनी okay बेटा. Thank you so much. हाँ जी तुषार. तो हो गए आपके quiz. बहुत अच्छी सी हुई आपकी practice आज के chapter की भी. तो चलिए बेटा अब मैं एक आपसे कुछ बात discuss करना चाह रही थी दरअसल. सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कमेंट सेक्शन में कि आप जो स्टूडेंट्स हैं वो इसी सेशन जैसे 21-22 वाले स्टूडेंट्स इस समय मेरे से बात कर रहे हैं या फिर लास्ट सेशन वाले 21-22 वाले आप 2021 वाले. आप एक बार टाइप करके बताइए मुझे कि आपका सेशन कौन सा है इस समय. जितने भी स्टूडेंट्स हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं मेरे साथ यहाँ पर जो जुड़े हुए हैं तो वो 2021-22 के हैं या 2020-21 के हैं. अच्छा ये 12th क्लास का आप ईयर लिख रहे हो राइट. 12th क्लास का आप मेरे से शेयर कर रहे हो है ना. वेरी गुड बेटा. 2021 ओके अमित. हाँ जी आप जल्दी से लिख दीजिए. या तो 2021 होगा मीन्स पिछले वाला जिन बच्चों के अब 12th के एग्जाम्स होने थे और पिछले साल वो 12th में हो गए थे. और कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने अभी 11th क्लास पास करी है और जो अब 12th में हुए हैं है ना. हाँ बिल्कुल ठीक है खुशी तुमको मुझे पता है तुम्हारा तो 21-22 तुम तो मेरे स्टूडेंट्स हो. हाँ जी रोशनी. हाँ बेटा मुझे पता है तुम्हारा भी. हाँ जी 21-22 यस. तो ज्यादातर बच्चे इसमें 21-22 सेशन के हैं है ना. वैसे मेरी जो बात थी वो पिछले सेशन के स्टूडेंट्स के लिए थी ओके. एंड वो ये बात थी कि जैसे उनके जो एग्जाम्स हैं वो कैंसिल हो चुके हैं है ना. क्योंकि हरियाणा बोर्ड की ओर से भी अब डिसीजन लिया जा चुका है. कल सीबीएसई ने ले लिया था कि अब उनके जो एग्जाम्स हैं वो नहीं होंगे और इसी वजह से आज काफी कम बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं. तो नो प्रॉब्लम एट ऑल. तो उनके लिए तो मैं यही बताना चाहूंगी बाय चांस मान लीजिए वो ये लाइव सेशन या बाद में इसका टेलीकास्ट देखेंगे तो उनके तो यही बात है कि बेटा कोई बात नहीं आपने बहुत अच्छी सी मेहनत करी अच्छी सी प्रिपरेशन करी. तो ये कोई 12th क्लास के एग्जाम्स कोई लास्ट एग्जाम्स नहीं है. अभी तो लाइफ में बहुत से एग्जाम्स देने हैं राइट. तो इस वजह से आप बिल्कुल भी जैसे निराश मत होना कि आपने इतनी प्रिपरेशन भी करी और आपके एग्जाम्स नहीं हुए. और जहां तक मुझे लग रहा है कि बच्चे लगभग खुश ही हैं कि उनके एग्जाम्स नहीं हो रहे और उनके मार्क्स ऐसे ही मिल जाएंगे है ना. हाँ मीनू बिल्कुल सही बात है बेटा. जो देना चाहते हैं वो दे सकते हैं. ये बात तुम्हारी बिल्कुल सही है. उनके लिए अरेंजमेंट किया जाएगा तो ये ऑप्शन भी आपके पास है ना. इसलिए निराश होने की वैसे भी जरूरत नहीं है. लेकिन कई बार क्या होता है कि हम सोचते हैं कि हमने इतनी प्रिपरेशन करी और उसके बाद फिर हम पेपर भी नहीं दे पा रहे तो इस वजह से मैं कह रही थी. और एक और बात उन बच्चों के लिए कि अब से डीएस इंग्लिश चैनल पर आपके लिए बीच बीच में मैं ऐसे वीडियोस लेकर आती रहूंगी जो आपकी इंफॉर्मेटिव इंग्लिश और कम्युनिकेटिव इंग्लिश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आप हाँ बिल्कुल देना बेटा जरूर देना आप एग्जाम्स. वेरी गुड पूनम अच्छा स्कोर किया है तुमने बहुत अच्छा स्कोर किया है इनफैक्ट. हाँ जी वेरी गुड. मैं आप सभी के लिए क्लैपिंग करना भूल गई थी तो मैं क्लैप भी कर देती हूँ आप सब बच्चों के लिए. वेरी वेल डन बहुत अच्छे से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं. और कुछ वीडियोज मैं आपके लिए अपलोड करूंगी तो एक तो आप ये काम करो बेटा जिन जिन स्टूडेंट्स ने अभी बताती हूँ पिंकी अभी आ रही हूँ इसी बात पर. जिन जिन स्टूडेंट्स ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अब लाइव क्लासेस जो है हमारी फ्रीक्वेंटली लेने की बजाय अब मैं सिलेबस को भी कंप्लीट करा दूं पहले है ना. और उसके बाद फिर हम जो जो जैसे चैप्टर्स या पोएम्स पढ़ लेंगे उनकी रिविजन फिर हम कर लेंगे साथ के साथ. तो सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए ताकि आपको बीच बीच में और भी कोई वीडियोस अगर मैं अपलोड करती हूँ आपकी जनरल इंग्लिश के लिए या कम्युनिकेटिव इंग्लिश के लिए तो उसकी जो अपडेट है वो भी आपको तुरंत मिल जाए. और इस लाइव क्लास को आप लाइक भी कर देना ओके. पहले वाली भी अगर कोई लाइव क्लास आपसे लाइक होनी रह गई हो तो उसे भी आप लाइक कर देना. तो आप ये बताइए कि अभी हम जैसे सिलेबस कंटिन्यू कर लें या अपने रिविजन चलने दें. मैं पिंकी वाली बात पर आ रही हूँ कि नेक्स्ट क्लास कब लूंगी. तो नेक्स्ट क्लास तो वैसे मेरी परसों स्केड्यूल्ड है ही है ना. फ्राइडे को मैंने मिलना है आपसे फिर से. अब आप मुझे बता दीजिए कि अभी हम आगे सिलेबस कवर अप करें या इसी तरह से रिवीजन चलने दें. पहले आप ये बताइए मुझे
फिर उसके अकॉर्डिंग मैं प्लान कर लूंगी कि परसों मैंने क्या कराना है, आप जल्दी से मुझे बता दीजिए। अच्छा पूनम भी एग्जाम देगी 21-22। अच्छा तुम सब बच्चे इस मूड में हो कि तुमने एग्जाम देने हैं। अच्छा मुझे तो आज ये मतलब तुमसे मैं इंटरेक्ट कर रही हूँ तो मुझे पता चल रहा है, अदरवाइज तो मुझे लाइव क्लास रेगुलरली लिया करो दीक्षा। हाँ बेटा रेगुलरली, मेरी कोशिश तो यही है दीक्षा कि मैं रेगुलरली क्लास लूँ, लेकिन ये था कि अब मुझे ये था कि जैसे अब वो बच्चे तो अपने साथ जुड़ नहीं रहे जिनके लिए मैंने ये रिविजन सेशन शुरू कराया था, तो तुम लोग पहले रिविजन करना चाहोगे जितना सिलेबस कर लिया उसकी, या सिलेबस आगे करना चाहोगे, मेरा ये पूछना था। पहले रिविजन कर लेते हैं, सिलेबस करवा दो मैम। अच्छा चलो ठीक है, मैं फिर प्लानिंग कर लूँ, क्योंकि आप रिविजन, कुछ बच्चे रिविजन के लिए बोल रहे हैं और कुछ बच्चे तो रिविजन के हिसाब से। तो देखो अपना जो काम बाकी है मैं बता दूँ आपको, एक तो इंडिगो ठीक है, और फर्स्ट थ्री पोएम्स, ये तीन मैंने चीजें करानी है राइट। तो तीन पोएम्स पहली और इंडिगो चैप्टर, ये पहले हम कर लेते हैं तो ओके, उसके बाद फिर हमें सिलेबस कंटिन्यू करना ही है। सिलेबस के लिए ज्यादा बच्चे बोल रहे हैं है ना, तो सिलेबस यस मैम देंगे, वेल डन गाइज। हाँ मैम 3 डेज सिलेबस और 3 डेज क्विज मैम, स्मृति का आइडिया मुझे सबसे अच्छा लगा ये बिल्कुल सही बात है, तो यही करेंगे हम ठीक है। तो अब हमारी बारी है फिर, मेरे ख्याल से मैं आपको पोएम करा दूं है ना, द रोड साइड स्टैंड जो पोएम है वो मैं करवाऊंगी आपको। तो सभी बच्चे मेरे से जुड़ सकते हैं जिन्होंने रिविजन करनी है उस हिसाब से भी, और जिन्होंने अपना जैसे मान लीजिए पोएम पढ़नी है उस हिसाब से भी। तो द रोड साइड स्टैंड के लिए आप मुझे मिलना परसों शाम को, हम 6 बजे मिलते हैं। तो टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्स और कीप लर्निंग विद मी, डी एस इंग्लिश इज ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। बाय बाय एवरीबॉडी, ओके बेटा।